नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज का जो लेसन है वो हमारे कुछ ऐसे खास व्यूवर्स के लिए है जो लेफ्ट हैंड से हारमोनियम प्ले करते हैं या लेफ्ट हैंड से कीबोर्ड प्ले करते हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स के इस तरह के कमेंट्स थे कि जो लेफ्टी हैं, जो लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं, वो उनका फिंगर पोजिशन क्या होना चाहिए और उनको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उनके लिए कोई वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं उनके लिए जो लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं, या ये वीडियो बेनिफिट उनको भी देगा जो कीबोर्ड प्ले करते हैं और दोनों हाथ से कीबोर्ड बजाना चाहते हैं। अभी केवल सिंगल हैंड से बजाते हैं, चाहे वो लेफ्ट से बजाते हों चाहे वो राइट से बजाते हों, और वो चाहते हैं कि वो दोनों हाथों से अच्छे से कीबोर्ड बजाएं, पार्ट्स और कॉर्ड्स दोनों के साथ। ठीक है, तो देखिएगा जो पार्ट्स और कॉर्ड्स की बात है वो कीबोर्ड वाली, उसके लिए तो मैं एक अलग से लेसन बनाऊंगा कि किस तरह से आप राइट हैंड का यूज करेंगे और किस तरह से आप लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स यूज करेंगे, उसके लिए अलग बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे आज के वीडियो में अपने लेफ्ट हैंड को हम धीरे धीरे कैसे चलाना सीखें, क्योंकि जो राइटी होते हैं उनको लेफ्ट हैंड चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मैं भी राइटी हूं तो मुझे भी लेफ्ट हैंड चलाने में बहुत प्रॉब्लम आई थी शुरू में, और अभी भी मैं अपने लेफ्ट हैंड से उतना खुश नहीं हूं। लेकिन मैं आपको सारा बताऊंगा टेक्निक के किस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो केवल लेफ्टी है वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिएगा जो हम अलंकार बजाते हैं, जैसे हम राइट हैंड से जब प्रैक्टिस करते हैं, जो राइटी होते हैं वो उनकी पोजीशन ये होती है, यहाँ पर फर्स्ट फिंगर होती है, यहाँ पर सेकंड होती है, यहाँ पर अंगूठा होता है, यहाँ पर फर्स्ट होती है, यहाँ पर सेकंड, फिर थर्ड, फिर यहाँ पर अंगूठा और यहाँ पर फिर फर्स्ट, ये पोजिशन होती है। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं तो आपकी ये सारी पोजिशन चेंज हो जाती है। आप किस तरह से, पहले जब हम राइट हैंड से प्ले कर रहे थे तो हमारा जो सा था, सी शार्प पहला काला, यहां पर हमारी फर्स्ट फिंगर आती थी। लेकिन अगर हम लेफ्टी हैं और लेफ्ट से बजाते हैं तो हमारी यहां पर सेकंड फिंगर आएगी। ठीक है, यहां पर सेकंड आएगी सा पर, और रे पर फर्स्ट आएगी। ठीक है, सा पर सेकंड, रे पर फर्स्ट, गा पर आपका अंगूठा आएगा और मा पर आपकी थर्ड फिंगर आएगी। ठीक है, पा पर आपकी सेकंड आएगी और धा पर आपकी फर्स्ट आएगी, नी पर आपका फिर अंगूठा आएगा और सा पर आपकी सेकंड फिंगर वापस आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम इसका अवरोह करेंगे। तो देखिए मैं धीरे धीरे बजा करके दिखाता हूं इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। बाद जैसे आगे नेक्स्ट जो भी अलंकार है, जैसे सारे गा रे गा मा, ये अलंकार है, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी दा नी सा नी धा नी दा पा धा पा से आप सारे सरगम की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं तो लेफ्टी नहीं हूं इसलिए लेफ्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो बाकी अगर जो प्रॉपर लेफ्टी हैं वो बहुत अच्छे से बजा सकते हैं।
और देखिएगा जैसे एक गाना हम बजा के देख लेते हैं लेफ्ट हैंड से। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने लेफ्ट हैंड को अच्छे से चला सकते हैं। अब कॉर्डिंग में भी आप इस तरह से लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, जैसे ये सी शार्प माइनर कॉर्ड हो गया, ये आपका डी शार्प माइनर कॉर्ड हो गया, ये एफ माइनर इस तरह से कॉर्ड आ गया, और आपका ये एफ शार्प मेजर हो गया, ये आपका जी शार्प मेजर हो गया, ये आपका बी फ्लैट माइनर हो गया। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड की लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका लेफ्ट हैंड अच्छे से चलने लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो हारमोनियम पर लेफ्ट हैंड कभी प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने हमेशा जो भी लेफ्ट हैंड मेरा चलता है थोड़ा ये कीबोर्ड पर ही लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस किया है। तो और कीबोर्ड से मैं लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स वगैरह के लिए ही अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ। मेरा तो राइट ही है तो मैं इसलिए अपना सारा जो मेरे पार्ट्स वगैरह जो भी मैं प्ले करता हूँ वो राइट हैंड से करता हूँ, लेफ्ट हैंड केवल कॉर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। जो लेफ्टी हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अपने हाथ को तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीजिए प्रैक्टिस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।